नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो निमरा अहमद का वीडियो है। इसका टाइटल है दिस इज हाउ द मुस्लिम कम्युनिटी वेलकम्स एंड रिस्पेक्ट्स मोदी इवन इन फॉरेन। अच्छा जी, तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान के लोग इस पर क्या अपना बयान देते हैं। हाल में ऐसे जो मुस्लिम्स हैं ही शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको कुछ शर्म हया होनी चाहिए उनको कि वो क्या कर रहे हैं। कि नरेंद्र मोदी जैसे जो एंटी मुस्लिम्स है, एंटी पाकिस्तानी है, और वो वहाँ पे भी सारे मुस्लिम सेल पैदा किए हैं। वहाँ पे तकरीबन जो सिख बरादरी, उनकी सिख है कम्युनिटी, वो सारी उसके खिलाफ है। ठीक है, उनके भी लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। वो बंदा जो है ना, वो बेसिकल अमन पसंद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी योर होस्ट निमरा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक पर हम पब्लिक की ओपिनियन लेने वाले हैं वो एक वीडियो है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फ्रांस का विजिट किया था। वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ने उनका वेलकम किया था और ये भी बोला था कि हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर वेलकम करते हैं, दिल से आपका वेलकम करते हैं, जिसकी वीडियो आप स्क्रीन पर भी क्लियरली देख सकते हैं। पाकिस्तानी आवाम को भी दिखाने वाले हैं और ये सवाल पूछने वाले हैं कि जहाँ ये बोला जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है, मुसलमानों से नफरत करते हैं, वहीं पर दुनिया भर के मुसलमान उनसे मोहब्बत क्यों कर रहे हैं। आए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब पाकिस्तानी आवाम से। तब तक के लिए मेरे साथ रहे। ऐसे जो मुस्लिम हैं ही शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको कुछ शर्म हया होनी चाहिए उनको कि वो क्या कर रहे हैं। कि नरेंद्र मोदी जैसे जो एंटी मुस्लिम्स है, एंटी पाकिस्तानी है, और वो उसको वेलकम कर रहे हैं, ही शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस। एंटी पाकिस्तान तो ठीक है, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर एंटी इंडिया ही हैं, हम कोई प्रो इंडिया नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान की आवाम की अगर बात की जाए तो। और अगर बात की जाती है कि मुस्लिम होते हुए वो नरेंद्र मोदी की, मुझे तो आपके ऊपर शर्म आ रही है, आपके बच्चों को आपके ऊपर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप जितनी बेशर्मी से ये बातें कह रहे हैं। आप कौन होते हैं उन मुसलमानों के लिए आवाज देने वाले? उनको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, आपकी क्यों जल रही है? आपको नहीं करना, मत करिए। और आज मैं आपको कह दूं कि आप एंटी हिंदू हैं, आप एक नंबर के फासिस्ट हैं, आप रिलीजियस हैं, कट्टर हैं, आप मान लेंगे क्या मेरी बात? आप रेडिकल हैं, टेररिस्ट माइंड के हैं, आप मेरी बात मान लेंगे कि मैं हूं, या कोई और मेरी बात मान लेगा कि आप हैं? इसके लिए मुझे सबूत देने पड़ेंगे ना। सबूत आप लोगों के पास होते नहीं है, सिर्फ फर्जीवाड़ा करते हो आप लोग, प्रोपेगेंडा करते हो आप लोग। और भारत के मुसलमान हो चाहे दुनिया में, अगर कोई मुसलमान उनका स्वागत कर रहा है, बाकी चीजें हैं, उनके पास दिमाग है अपना, उनके पास पाकिस्तानी सड़ा गला दिमाग नहीं है, उनके पास पढ़ा लिखा दिमाग है, वो करते हैं, वो जानते हैं कि असलियत क्या है। ठीक है, तारीफ कर रहे हैं तो मुस्लिम्स क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या किसी हिंदू की तारीफ नहीं कर सकता? नहीं सर, नेवर एवर। अगर आप मोरल ग्राउंड्स पे देखें तो ये हमें सूट ही नहीं करता कि हम उनको किसी भी चीज पे अप्रिशिएट करें, खासतौर पर उनके प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करें, चाहे वो फ्रांस में हो या पाकिस्तान में हो, इटली में हो, जहाँ भी हो, व्हाटएवर। हमारे मतलब ने हमें ये बोला है कि आप किसी नॉन मुस्लिम कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ नहीं कर सकते। भाई साहब, आप जाके पता कराओ कि आपकी 7 से 8 पीढ़ी पहले आपके पुरखे कौन थे। ना हिंदू निकला ना पुरखा, नाम बदलवा लूंगा मैं अपना। अपने पुरखों के निकालो तो क्या अपने पुरखों को सम्मान देना भी बंद कर दोगे, गालियां दोगे उन्हें? वो भी तो हिंदू थे। डीएनए टेस्ट कराओ, हिंदू से ना मिला तो देख लेना, बोलो चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? डीएनए टेस्ट कराओ, चलो भेजो अपना सैंपल, मैं डीएनए टेस्ट करवाता हूं। कि हम उससे नफरत करें, उसको हम डिग्रेड करें, उसको हम कमतर समझे, ऐसा कहा गया सर? नहीं मैडम, ये आप इसको मजहब पे ना लेके जाएं। मजहब पे लेके जाएंगे तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा है कि आप गलत बात को गलत कहें। आप एक किसी गलत बंदे को डिफेंड करते हैं तो आप उससे पूरे इसका इम्पैक्ट सारे मुआशरे पे आता है। आप एक गलत बंदे को वेलकम कर रही है, उसका क्या रिएक्शन जा रहा है मुसलमानों में? इवन जो इंडियन मुसलमान है वो क्या सोचेंगे कि यार ये हमारे मुस्लिम भाई क्या कर रहे हैं, वो उधर क्या कतल व गारत कर रहे हैं, कैसे थी भैया? तो आप किसी को गलत साबित करने वाले, गलत ठहराने वाले कौन हैं? जज लगे हैं? कौन है? आपकी बात को क्यों माना जाए?
कहीं किसी कोर्ट ने कुछ ऐसा कहा हो, कोई किसी ने ऐसा कहा हो कि नहीं जी ये नहीं है, ऐसा नहीं है, अपराधी है, ऐसा है वैसा है, कैसे कैसे हम मान लें ये बताइए? आपके कहने भर से मान लें तो मेरे कहने भर से आप मान लीजिए कि आप एक नंबर के चोर हैं, आप एक नंबर के बेशरम हैं, आप मान लीजिए मेरे कहने भर से। अगर वही लॉजिक मैं अप्लाई करूं तो भाई आप भी वैसे ही हैं। फिर बात समझ में नहीं आई होगी आपको, दिमाग चाहिए ना इसके लिए। वीडियो शेयर हुई हुई है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं, हमारी मुस्लिम बच्चियों के साथ कर रहे हैं। तो अगर आप उस मॉडल ग्राउंड्स पे देखें या इवन ह्यूमन टैरिंग ग्राउंड्स पे देखें या मजहबी लिहाज से भी देखें, तो मेरा मैं नहीं समझता कि हमें नरेंद्र मोदी को या उसको जो है वेलकम करने चाहिए। फिर इंडिया में मुसलमानों की तादाद डबल क्यों हो गई? अगर हम 1947 से लेकर अब तक की बात करते हैं, वहां के मुसलमानों की तादाद डबल हो गया टाइम? मैडम वो ये एक सेपरेट टॉपिक है। आप सेपरेट टॉपिक नहीं है ना, देखिए आपने बोला है वहाँ पर मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, इस हिसाब से तो उनको मूव कर लेना चाहिए था, इस हिसाब से तो उनको दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट कर लेना चाहिए था, उनको वहाँ पे मैं समझता हूँ उनको अपने हक में अपना जो है वो डिफेंड करना चाहिए अपने आप को। जिस तरह हिंदू वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, उनको भी चाहिए कि वो अपने आप को वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें वहाँ पे। जी बिल्कुल सर, दुनिया के रिचेस्ट मुस्लिम की अगर बात करें ना तो वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। नहीं, रिचेस्ट वहाँ वो है मुकेश अंबानी है, रिचेस्ट नहीं है, रिचेस्ट होंगे लेकिन सर, हमारे अपने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बेटी के जो बेटे हैं यानी कि उनके जो नवासे हैं वो वहाँ पर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है सर। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि वहाँ से मुसलमान ही निकलकर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पर जा रहे हैं सर। प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें आप, पीछे छोड़ दें क्या है, किसके अभाव वहाँ पे रहते हैं, इसको आप तो छोड़ दें। ओके फ्रेंड्स, करंट सिनेरियो की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, क्या कहेंगे? प्रेजेंट मैंने आपको बता तो दिया। अच्छा वन सेकेंड, अब मुझे एक बात बताएगा, फिर वहाँ पर हमारी ही मुस्लिम कंट्रीज क्यों इन्वेस्टमेंट कर रही है, फिर हमारी ही मुस्लिम कंट्रीज उनके साथ क्यों ताल्लुकात अच्छे कर रही है, इवन तालिबान उनके साथ क्यों ताल्लुक अच्छे कर रहे हैं, जिनके मुल्क में इस वक्त शरिया लो है वो क्यों फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं? मैडम ये अब ये किसी आप बेहतर है किसी पॉलिटिशियन से क्वेश्चन करें, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। ठीक है सर, एक आम सा सवाल है बिकॉज पब्लिक बोलती है भारत के बारे में। देखें हर बंदे ने अपना आप जवाब देना है अपने अमल का। नहीं फिर आपको क्या लगता है कि मुस्लिम ममालिक जो हमारे अरब ममालिक हैं वो इंडिया में क्यों इन्वेस्टमेंट करें अगर वहाँ पर मुसलमान सदस्य हो रहा है? मैं आपको बताऊँ, वो हर बंदा अपने इंटरेस्ट देखता है। अब मिडिल ईस्ट के अपने इंटरेस्ट हैं, सऊदीज के अपने इंटरेस्ट हैं। फंस गए ना भाई साहब, अब जवाब देंगे तो भाई तारीफ करनी पड़ेगी और तारीफ कर नहीं सकते क्योंकि मन में तो बैठा हुआ है कचरा, गोबर भर के जा रहे हैं तो कैसे करेंगे। जहां फैक्ट्स की बात आ गई, भाई साहब ने फौरन बैक गियर लगा ली कि नहीं नहीं पॉलिटिशियन से बात करिए, मैं कैसे जवाब दूंगा और ये दूंगा। और बाकी टाइम पे किस चीज का जवाब दे रहे थे आप? अकल के अंधे हैं आप, और इसीलिए आप लोगों की प्रोग्रेस नहीं हो रही क्योंकि आप लोग दोगलापन दिखाते हैं, डबल स्टैंडर्ड दिखाते हैं आप लोग, अपने फायदे के हिसाब से चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। अब आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, ओ मुस्लिमों ने पीएम मोदी की तारीफ कर दी, नहीं 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 ये तो गलत हुआ, मेरा एजेंडा तो फेल हो जाएगा, प्रोपेगेंडा फेल हो जाएगा मेरा। दुनिया हंसती है सर इसीलिए आप जैसे लोगों पर, कि वहां पे लेबर सस्ती है, चीप है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बेहतर है, इलेक्ट्रिसिटी वहां पे बेहतर है, हमारे इधर जो है इन्होंने मुल्क का बेड़ागड़ा कर दिया इन्होंने। अब वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जाहिर है वो अपना कारोबार करना चाहते हैं, वो वहाँ पे फिर अपना कारोबार करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर पूछकर बात को वाइंड अप करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है अगर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की, अगर हम बात करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर्स की, दोनों में से किसने अपने मुल्क को आगे पहुँचाया है? तो जुल्म किस पर ज्यादा है ये बताइए। अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ मिल रही है तो क्या वो मुसलमानों को नहीं मिल रही है? अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया तो क्या वो मुसलमानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया नहीं है? क्या जो सड़कें एक्सप्रेसवे बनाई जा रहे हैं नए और जो बन चुके हैं क्या उसका इस्तेमाल मुस्लिम कम्युनिटी नहीं कर रही है? क्या जो हमारे यहाँ बाकी जो चीजें होती है उसमें मुस्लिम कम्युनिटी का योगदान नहीं है? बोलिए, जुल्म तो आपके यहां हो रहा है। इस्लामिक कंट्री है आपकी, 98% इस्लाम को मानने वाले हैं और मस्जिदों में धमाके आपके यहां होते हैं, हमारे यहां नहीं होते। मुसलमान ही मुसलमानों को वहां पे मारते हैं, हमारे यहां नहीं मारते। मेरी बात, मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? रोटी के लिए आप मर रहे हैं, रोटी के लिए हमारे यहां नहीं लोग मरते। आटे की लाइनों में आप खड़े हैं, हमारे यहां लोग नहीं खड़े रहते। महंगाई से हाल बेहाल हुआ है, हमारे यहां भी महंगाई है, ऐसा नहीं है 7-8% की महंगाई है, आपके यहां तो 50% की महंगाई है।
फर्क है, लेकिन इस महंगाई में भी हम सरकार को सवाल पूछते हैं, डंडा किए हुए हैं कि भैया महंगाई कम करो। आपने कब कहा अपनी सरकार से कि 50% तक महंगाई पहुंच गई और आप वहीं कुछ नहीं कह रहे जी, इंडिया में तो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है जी, इतने से आपकी सारी महंगाई दूर हो गई। थूकने भी नहीं आएंगे हमारे यहाँ के मुसलमान आपके यहाँ। हर कम्युनिटी को साथ लेकर चला? नहीं, कम्युनिटी को तो किसी भी नहीं साथ लेकर नहीं चला कोई भी, लेकिन नरेंद्र मोदी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक आदमी है एज कम्पेयर टू ओवर प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, पेट्रियोटिक आदमी है सिर्फ हिंदुओं के साथ? हाँ बिल्कुल, अपने मुल्क से लॉयल है। जिस तरह ये हिपोक्रेट्स है हमारे पॉलिटिशियन, वो इस तरह के नहीं है, मैंने तो यही जजमेंट की है, मेरी अपना ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स या हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो यहाँ पर दूसरी कम्युनिटीज के साथ पेट्रियोट है? सॉरी, सिंसियर है? बिल्कुल है, आप देख लें, आप कभी आपने यहाँ पे वाका देखा इक्का दुक्का? अब क्या किया उन्होंने, मंदिर भी यहाँ पे बनवा दिया है, वो जैन मंदिर में देखो यार, 30 साल बाद सर, वो जो भी हुआ है मैडम बना तो दिया है ना, वो भी बना करते, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर। तो भैया तो इस्लामाबाद वाला मंदिर भी बनवा दो ना, 2000 मंदिर थे 47 में, इस समय 20 भी नहीं बचे हैं, और जो टूटे फूटे मंदिर, जो बचे मंदिर हैं उन पर भी हिंदू बोर्ड नहीं चलाते, वो मुसलमानों का कब्जा है उस पर। ये मैं नहीं कहता सर, कोई मैं अफवाह नहीं फैलाता, कोई प्रोपेगेंडा नहीं करता, आपके पार्लियामेंट में ये बात कही गई है, सुनिए। कि 1830 1288 मंदिर है, 521 गुरुद्वारे हैं, 1830 में से 31 मंदिर और गुरुद्वारे फंक्शनेबल है, 30 पहले थे, एक अभी सियालकोट में खुला, 31 हुआ, और हमने एक सियालकोट वाले को खोल के हमने ऐसी तारीख दिखा दी, फिर हमने ये नहीं बताया कि 1830 मंदिर में से 31वां मंदिर खुला है, आज भी 1799 मंदिर गुरुद्वारे उनके ऊपर कब्जे हैं, और उनके ऊपर जो पूरी जो इंतजामिया बैठी है, क्योंकि हिंदू कोई अहल नहीं है, और पाकिस्तान में ये कहा गया है कि मुसलमान ही जो है वो मंदिरों का और गुरुद्वारों का बनेगा, और मुसलमान ही जो है वो माइनॉरिटी का मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि उसको पता है कि हिंदुओं का त्यौहार किस दिन होता है। अब अगर आप मेरा ये वीडियो देखें तो कुछ होश के नाखून लें, और ऊपर वाले को याद करें कि झूठ बोलेंगे तो मुंह दिखाना पड़ेगा वहां पर, और बाकी नहीं तो, बाकी तो प्रोपेगेंडा सब है ही, बोलते रहिए। फैक्चुअल तो क्या कहेंगे अगर हम फैक्ट्स को देखें? नहीं जी, मेरा तो जमीर ये गवारा नहीं कर सकता कि इस तरह की जो बता रहे हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए। क्यों? बस हम एक ऐसे मुसलमान है, ठीक है, वो शुरू दिन से लेकर अभी तक उन्होंने हमारी मुखालफत की है, और हम भी तो उनकी मुखालफत की है सर जी, हमने भी तो नहीं, हमने नहीं मुखालफत की, हम अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अताअत करते हुए ये बात सामने लाते हैं कि ये जो हमारे कभी भी हम साया मुल्क है होने के नाते हमारे साथ इन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया आज तक, ठीक है, हम मेरा जमीर ये नहीं गुवारा कर सकता कि हमने ये बात जो उन्होंने की है कि मैं कहूंगी ये एक्सेप्ट करता हूं। अमेरिका ने अच्छा बर्ताव किया इतने सालों में? नहीं, वो तो देखो उन्होंने भी अच्छा बर्ताव नहीं किया, मगर उनसे ये बेहतर जो जो बता रहे हैं ना ये बेहतर नहीं है, ठीक है, अमेरिका तो फिर भी हमें हमारी अमदाद भी करता है हमारा। अरे क्या बात करते हो बे, अच्छा बर्ताव नहीं किया, ये बताओ कि 4 बार हमारी जंगें हुई, 4 बार हमला किसने किया? तुम लोगों ने किया, और तुम कहते हो कि हमने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। मुंबई पर अटैक किसने करवाया, किसने करवाया मुंबई पर अटैक? पाकिस्तान से ही आए थे ना वो 10, और तुम कहते हो कि हम लोग तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। उरी में, पठानकोट में, पुलवामा में किसने अटैक करवाया बे, किसने करवाया? सबके सबूत दिए हैं हमने, और तुम कहते हो कि हमने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। जरा भी ऊपर वाले से डरते हो तो ये बात अपने आप से पूछो, इन सवालों के जवाब बात करते हो। अरे नफरत तो हमें करनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम लोगों ने 4 बार अटैक किया हमारे ऊपर, नफरत तो हमें करनी चाहिए कि तुमने मुंबई पर हमला किया, 150 से ज्यादा लोगों की जान ली तुमने, नफरत तो हमें इसलिए करनी चाहिए कि उरी में, पठानकोट में, पुलवामा में तुम लोगों ने हमले किए और हमारे जवानों को वीरगति मिली, मारा तुम लोगों ने, प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखी है तुमने जम्मू कश्मीर में, नफरत तो हमें होनी चाहिए, लेकिन हमें नफरत करने की जरूरत नहीं है तुमसे, क्योंकि तुम लोग इतने नफरती हो कि तुम लोग ही उस नफरत के शिकार हो रहे हो और तुम्हारा मुल्क तबाह हो रहा है। हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को नहीं चाहिए वो नफरत, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम नफरत करेंगे तो नफरत अंदर से हमें ही खाएगी,
तो हमें नहीं चाहिए नफरत। तुम करो और करो, और अपने आप से सवाल पूछो एक इंसान की तरह। नहीं, अगर भारत हमारी खिलाफ है, ये हमारे दीनी मसले मामले में नहीं आते। चाइना वहाँ पर मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करता, चाइना ने मस्जिद तक को डिमोलिश किया है, आप ऐसे कैसे बोल सकते? कब किया मुझे बताओ। सर मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं आता। अभी रिसेंटली एक हफ्ता पहले की न्यूज़ देखे सर, उन्होंने हमारी मस्जिद को डिमोलिश किया। ये कमेंट्स हैं कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, मेरा जमीर नहीं भरा कर सकता। चाइना ने मस्जिद डिमोलिश की है, इसको आप इसको नहीं आप समझते? मैं समझता हूँ, मगर उन्होंने गलत किया, ये करना तो नहीं चाहिए था। हालांकि चाइना जो है ना हमारा हमसाया, वो भी हमारा हमसाया मुल्क, हम उनकी मिसाल देते हैं कि तालीम हासिल करने के लिए चाहे चीन क्यों ना जाना पे जाना चाहिए, मगर उसमें भी देखो पूरा चाइना तो नहीं हमारे मुखालफ। चाइना के कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ऑफिशियल ऑर्डर दिया चाइना के कोर्ट ने। बिल्कुल, चाइना ने अगर कोर्ट के ऑर्डर दिया तो बहरहाल उनको चाहिए था कि इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों को उन्हें चाहिए हमारी रिस्पेक्ट करते, मगर उन्होंने गलत किया ये चीज। लेकिन फिर भी वो हमारा दोस्त है ना, जो मर्जी कर ले, लेकिन फिर भी वो हमारा दोस्त है। हमारा दोस्त बिल्कुल हमारा है चाइना के साथ हमारे। अबे सुन बे मुच्छड़, मुझे तो मेरी भी है वैसे, मैं भी मुच्छड़ हूँ, जाके पढ़ वरना मैं यहाँ सबूत दे देता हूँ। 10,000 से ज्यादा मस्जिदों को तोड़ दिया गया है वहां पर, तुझे नहीं पता ये? नहीं तुझे कैसे पता होगा, जब तेरे हैंडसम पीएम इमरान खान चुप हो जाते थे, मुंह पर ताला लगा लेते थे, तो तुझे क्या पता होगा, तू क्यों बोलेगा? इसलिए कहता हूं ना, दोगले लोग हो तुम लोग, दोगले। वहां पर मुसलमानों को दाढ़ी नहीं रखने दी जाती। इंडिया में कभी सुना है तूने कि मुसलमानों को दाढ़ी नहीं रखने दी जा रही है? वहां पर मस्जिदों को टॉयलेट बना दिया जाता है। तुमने इंडिया में सुना है किसी मस्जिद को टॉयलेट बना दिया गया हो? सुना है? वहां पर रमजान में रोजे नहीं रखने दिए जाते चाइना में, और ये मैं नहीं कहता, ये सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कहती हैं। तुझे मानना है मत मान, इसलिए तो कहता हूं दोगले हो तुम लोग, दोगले हो तुम लोग एक नंबर के। हमारे मतलब के बड़े कारोबार बिजनेस चल रहे हैं। आप बताएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो उन्होंने इंडिया के लिए क्या किया है, इंडिया की तरक्की के लिए उनका क्या हाथ है, इंडिया में हर इंडियन को मकाम पर पहुंचाने में क्या हाथ है? कोई हाथ नहीं है। मोदी ने वहाँ पे भी सारे मसले मसाइल पैदा किए हैं, वहाँ पे तकरीबन जो सिख बरादरी उनकी सिख है कम्युनिटी, वो सारी उसके खिलाफ है, ठीक है, उनके भी लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। वो बंदा जो है ना वो बेसिकल अमन पसंद नहीं है। फिर इंडिया पांचवें नंबर पर कैसे आ गया? पांचवें तरक्की के लिए पांचवें नंबर पे आया ना वो, वहाँ पर जहाँ पर वन सेकंड इतनी अनस्टेबिलिटी हो, जहाँ पर अमन ही ना हो, वो मुल्क पांचवें नंबर पर कैसे आ सकता है? उसके अंदर आर्मी का हाथ सियासत में नहीं है। चलो बहरहाल मामला ये है कि वो वहाँ पे जो हमारी ज़राअत के मामले में ना, ज़राअत हमारी बहुत ऊपर जा रही है वहाँ पे। कहाँ? इंडिया में, ज़राअत जो एग्रीकल्चर, हाँ यस एग्रीकल्चर में जो जिम्मेदार है वो बहुत ऊपर जा रहे हैं, उनको सहूलत दी जा रही है सारी, बिजली सस्ती उनकी, ठीक है, उनको जो भी चीज चाहिए खाद्य वगैरह चाहिए वो सारी उनको बिल्कुल ना होने के बराबर कीमत लगाते हैं। वो हमारे मुल्क में तो हर चीज अप होती जा रही है, जो भी चीज जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो हाथ लगाने नहीं दे रहे। और तालीम वगैरह की अगर हम बात करें, हमारे इंडिया आ गया, हमारे मुल्क तालीम आ गया उसकी, तो ये सबके लिए पॉलिसीज कौन बनाता है? ये पॉलिसी जो, ये पॉलिसी वो बनाते हैं पार्लियामेंट में जाके, जो ऑफिशियल्स ही बनाते हैं ना, ऑफिशियल्स ही बनाते हैं, मगर ये पॉलिसी बना देते हैं, मगर पॉलिसी के ऊपर अमल नहीं होता इंडिया में। नहीं, इंडिया में तो हो रहा है, हमारे पाकिस्तान में नहीं होता। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछकर बात को खत्म करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि वहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी, दूसरी बड़ी अक्सरियत वहाँ पर? चाट चाट अपना ही धुखा हुआ चाट चाटता रहे अभी मुसलमानों की है, आपको क्या लगता है कि वहाँ पर अगर मुसलमानों को मतलब इंतजार हो रहा है तो क्या मुसलमानों के बगैर भारत तरक्की कर सकते हैं? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि मुसलमान भी बात रखी करें कर, असल में मामला ये है ना कि वो मुसलमानों को हमेशा डिसराइड करते रहते हैं। मुसलमान की तादाद हमसे ज्यादा है पाकिस्तान से, ठीक है, कैसे डबल होगी फिर अगर वहाँ पर डिसराइड इतना ज्यादा हो रहा है तो? नहीं हो तो रहे हैं, मगर उसमें कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे वो बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है, कुछ ऐसी एक्सट्रीमिज्म तो सर होती है, एक्सट्रीमिज्म तो फिर यहाँ पर भी, एक्सट्रीमिज्म तो फिर कहीं पर भी हो सकता है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारे मुल्क के लिए कुछ सोचा जाए, हमारे मुल्क में जो भी हुक्मरान आए ना हमारे मुल्क के लिए सोचे। हम ये नहीं चाहते कि नवाज शरीफ अच्छा है या फलाना अच्छा, हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो भी वज़ीर आज़म जो भी वज़ीर आला आए हमारे मुल्क के लिए सोचे, हमारे जो गरीब आवाम है उसके लिए सोचे। थैंक यू सर। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा, लाजमी मेंशन कीजिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना ना भूलिए।
तो आपको अभी तक ये 75 ईयर्स में आपको समझ में नहीं आया कि आपका अल्लाह ताला आपके बारे में सोच नहीं रहा है? आपको समझ में बात नहीं आई? वो इसलिए नहीं सोच रहा है क्योंकि आप लोगों एक नंबर के बेईमान, एक नंबर के धोखेबाज, एक नंबर के मिलावटखोर। रमजान में आपके यहाँ दूध में मिलावट कर दी जाती है, पता है आपको? रमजान में आपके यहाँ चीजें महंगी कर दी जाती हैं। एक नंबर के सेल्फिश लोग हो तुम लोग, इसलिए अल्लाह ताला तुम्हारे नहीं सुन रहा है, बस दिखाने के लिए, ओहो हे मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं और ये है और वो है। तो सुन क्यों नहीं रहा? इसलिए नहीं सुन रहा कि तुम लोग गलत रास्ते पर हो, गलतियां कर रहे हो तुम लोग, जुल्म करते हो तुम लोग, साजिशें करते हो। ये देखो नफरत कितनी भरी है तुम्हारे दिमाग में, और जिधर करना है ना उधर कर रहा है, वहां के लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो उनको मानते हैं वो जानते हैं ये बात। देखो अच्छाई की राह पर चलोगे ना, नफरत कम करोगे तो थोड़ा भला हो जाएगा यार। कहां करोगे इतनी नफरत लेकर यार, सोकर चले जाओगे ऐसे ही किसी दिन। चले जी, बाकी रही बात, अगर मैं ये सारे जो सवाल है ना, लोग कहते हैं कि जी मुस्लिम नफरत करते हैं, एंटी मुस्लिम है बीजेपी और ऐसा है वैसा है, कोई मुझे एक साबित कर दे कि क्या कोई एक ऐसी योजना सरकार की तरफ से पिछले 8-9 साल में निकाली गई है जिसमें कहा गया हो कि जी ये सिर्फ हिंदुओं के लिए और किसी जाति के लिए नहीं है, या उसमें लिख दिया गया हो कि नहीं ये मुसलमानों के लिए नहीं है, उसका फायदा नहीं मिलेगा, आप बता दो, चैलेंज है। दूसरी बात, क्या आपको पता है कि मोदी सरकार में मदरसों को जितने ग्रांट दिए गए हैं वो सैकड़ों करोड़ रुपए के ग्रांट हैं, और ये ग्रांट इसलिए दिए गए क्योंकि पीएम मोदी ने कहा था कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के एक हाथ में कुरान होनी चाहिए और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, समझे आप? तो शर्म आए तो इन सब चीजों को पढ़ लेना, शर्म आए तो ये भी मैं आपको बता देता हूं कि बीजेपी उन इलाकों में भी जीती है जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी इलाके हैं। जो देवबंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, देवबंद में भी जो भयानक तौर पे मुस्लिम बहुल इलाका है वहां भी बीजेपी जीती। कैसे? जहां पर आपसे ज्यादा मुसलमान रहते हो और जिनको वोटिंग राइट्स हैं, ऐसा नहीं है, वहां पर आप कहते हो कि वहां पर इलेक्शन बिना ऐसे ही हो जाएंगे। सुनिए सर, आप अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार कहते रहिए लेकिन दुनिया भर के मुसलमान या इंडिया के मुसलमान आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, क्योंकि पता है कि अगर आपके हिसाब से चले ना तो उनकी भी वही हालत होगी जो आपकी अभी हुई है, भिकमंगों वाली। आटे के लिए लाइन में लग रहे हैं लोग, मर रहे हैं, आपको अंदाजा लग रहा है कि आप क्या बात कर रहे हो कि जुल्म कहां हो रहा है? अरे शर्म आए तो अपने हुक्मरानों से पूछो कि मुसलमान होकर मुसलमानों पर जुल्म क्यों कर रहे हैं वो लोग। लेकिन नहीं, आपको तो नजर आएगा कि नहीं नहीं इंडिया में दुश्मन मुसलमानों पर जुल्म है, चाइना में भी कुछ नजर नहीं आएगा आपको। इसीलिए कहता हूं इतना दोगलापन करोगे तो ऊपर वाला नहीं सुनेगा तुम्हारी, और सुन नहीं रहा, कोई दुआ कबूल नहीं हो रही 75 ईयर्स से। नतीजा सामने है, कभी सैलाब, कभी अर्थक्वेक, कभी भुखमरी, कभी आटे की लाइन, कभी गंदम का ना होना, कभी महंगाई, कभी ये कभी वो। झेलो, अभी तो और झेलोगे अगर यही दोगलापन जारी रहा तुम्हारा। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।